हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट एंड टायरलेस। आज मैं आपके साथ सर्दियों में बनाए जाने वाले मेथी के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आपको ठंड से भी बचाएंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा यूज़ किए हैं। आधा किलो मेथी पाउडर, 1 किलो गेहूँ का आटा, आधा किलो गोंद और 1 किलो कसा हुआ नारियल यूज़ किया है। सबसे पहले आधा केजी मेथी के पाउडर में 3 से 4 बड़े कप दूध, 1 से 2 बड़े चम्मच घी मिक्स करेंगे। इन सबको मिक्स करके रात भर के लिए भिगोकर रख देंगे। ऐसा करने से मेथी की कड़वाहट जो है वो कम हो जाएगी। लोहे की कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच घी गरम करने के लिए रखा है। घी के गरम हो जाने के बाद मीडियम फ्लेम पे कॉर्न फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। कॉर्न जल्दी ही फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे थोड़ा जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे और इसे साइड में एक प्लेट में निकाल देंगे। कढ़ाई में गेहूं का आटा सेकना स्टार्ट करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने तक सेकेंगे। अगर आपको घी कम लगता है तो आप इसमें और घी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में आटा है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसमें सुगंध आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे। आधा किलो कसा हुआ नारियल, गोंद, भीगी हुई मेथी और सिका हुआ आटा, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार पीस कर उसे मिक्स कर सकते हैं और अब हाथों की सहायता से इनके लड्डू बना लेंगे। मेथी के लड्डू जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनसे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा।